दोस्तों ये टाटा 1613 ट्रक का इंजन है जिसका मैंने टैपेट कवर खोला हुआ है। खोलने के बाद साफ किया है इसको, गरम मिट्टी तेल गरम करके ब्रश से साफ किया है। एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम क्या थी, 1613 गाड़ी जो है टाटा 4x2 है, ये ट्रक है, ये ट्रक स्टार्ट था आइडल स्पीड पे स्टार्ट था। इसको स्टार्ट के बाद लगभग लगभग 15 मिनट के बाद इसमें से आवाज आई इस तरह से कि कोई गियर घिस रहा हो, आपस में घिस रहा हो, मतलब जैसे या तो पिस्टन स्लीव के साथ घिसता हुआ चल रहा हो ल्यूब्रिकेशन की कमी से। तुरंत गाड़ी को बंद करवाया और बंद करवाने के बाद इंजन ऑयल चेक किया गया तो इसकी जो डिपस्टिक है वो इसकी डिपस्टिक नहीं है, जो 12-12 की डिपस्टिक इसमें डाली हुई है। ये डिपस्टिक का इसका यहाँ डिपस्टिक लगती है इसकी दाहिनी तरफ, मैं ड्राइविंग केबिन में बैठा हुआ हूँ, ये इसका FIP है सामने। तो इसकी डिपस्टिक जो है इसमें 12-12 की थी तो कन्फर्मेशन नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसका ड्रेन प्लग खोला, ड्रेन प्लग खोलने के बाद मैं क्या देखता हूँ, उसमें से केवल 2 चम्मच जैसे घी निकलता है ना, गर्म घी, गर्म नहीं पिघला हुआ नहीं, मक्खन होता है जैसे घी की तरह, मतलब 2 चम्मच इसमें से इंजन ऑयल निकला, वो जला हुआ काला इंजन ऑयल था। तो दोस्तों जब इसको ड्रेन प्लग खोला गया तो उसमें से मात्र 2 या 3 चम्मच जैसे घी निकलता है इस टाइप से इंजन ऑयल निकला, उसके अलावा कुछ नहीं निकला। तो मैंने इसका ड्रेन प्लग दोबारा वापस लगाया और डीजल गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको टैपेट कवर का ढक्कन खोल के ऊपर से यहां से डाल दिया और डालता रहा और गाड़ी को फिर स्टार्ट किया, लगभग 2 मिनट स्टार्ट रखा, उसके बाद फिर उसको निकाल दिया तो सारा काला तेल निकला, उसमें से गंदगी निकली। दोबारा फिर मैंने यही प्रोसेस किया, उसके बाद फिर इसको छोड़ दिया और करीबन 3-4 घंटे तक, जब सारा का सारा तेल ड्रेन हो गया, उसमें से डीजल ड्रेन हो गया, तो मैंने इसका ड्रेन प्लग लगा के इसमें नया इंजन ऑयल डाला। 14200 इसके इंजन ऑयल की कैपेसिटी है, 14 लीटर 200 ग्राम इंजन ऑयल डालने के बाद इसको दोबारा टेस्ट किया गया। टेस्ट करने के बाद तो ठीक लगी, जब ये लॉन्ग थोड़ा ड्यूटी पे गई, लंबी ड्यूटी पे, तो इसमें टिक 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 आवाज आने लगी। उसके बाद अभी मैंने इसलिए इसका टैपेट कवर खोल दिया। टैपेट कवर खोलने के बाद मैं इसका वाल इसकी करना चाहता था कि कहीं पुश रॉड बैंड तो नहीं है, लेकिन इसकी पुश रॉडें निकली नहीं, इसलिए मेरे को ये रॉकर शाफ्ट पूरी की पूरी असेंबली खोलनी पड़ी। 18 नंबर के बोल्ट है, इससे मैंने रॉकर शाफ्ट खोल दी, उसके बाद मैंने पुश रॉड खोली है। अच्छा, पुश रॉड खोलने से पहले, रॉकर शाफ्ट खोलने से पहले मैंने दोस्तों इसकी टाइमिंग मिलाई है। टाइमिंग मिलाने के लिए गाड़ी के नीचे, मैं केबिन में बैठा हुआ हूँ, गाड़ी के नीचे से फ्लाईव्हील के नीचे एक इंस्पेक्शन प्लेट है, 4 10 नंबर के 4 बोल्ट है उसमें, उसको खोलने के बाद हम फ्लाईव्हील गियर रिंग गियर को पेचकस से या व्हील पानी या उससे टायर लीवर से उसको घुमा सकते हैं। अच्छा, उसको घुमाने के साथ साथ मैंने टाइमिंग चेक करने का क्या इसका तरीका है, जो है इसकी पुश रॉड है 1 2 3 4, उधर से एक इंजन साइड से गिनेंगे तो 4 नंबर पुश रॉड, ये वाली 1 नंबर मैंने निकाली हुई है, 2 3 4 नंबर, 4 नंबर पुश रॉड आपकी टाइट हो जाएगी, यानी कि 4 नंबर वाल आपका दब जाएगा, बाकी 1 2 3 फ्री रहेंगे। दोस्तों ये 1 नंबर निकाली हुई है, 1 नंबर, 2 नंबर पुश रॉड, 3 नंबर पुश रॉड और ये 4 नंबर पुश रॉड। जब नीचे से फ्लाईव्हील को घुमाएंगे तो आपके 4 नंबर पुश रॉड दब जाएगी और 1 नंबर पिस्टन जो है कंप्रेशन स्ट्रोक में होगा। उसके बाद पहले पता कर ले यार, चल शेड बना ये ले ले। उसके बाद दोस्तों फ्लाईव्हील के नीचे से 4 10 नंबर के बोल्ट खोल के इंस्पेक्शन प्लेट हटाने के बाद रिंग गियर को घुमा के हम जो है ये जो है इसको टाइमिंग मिलाते हैं। अभी मैं केबिन में बैठा हुआ हूँ, ये केबिन के ऊपर से मैंने, ये ड्राइवर केबिन के ऊपर से मैं देख रहा हूँ, ये इंजन है और ये इंजन के पीछे की साइड में फ्लाईव्हील के ऊपर एक छोटा सा इंस्पेक्शन प्लेट दिया हुआ है। इस प्लेट को हटाएंगे और नीचे से जब हम उसको घुमाएंगे फ्लाईव्हील रिंग को,
तो यहाँ पर फ्लाईव्हील के ऊपर जीरो का है निशान, कट का निशान है, ये कट का निशान और ये पिन का निशान ये एक सीध में हो जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो है चार नंबर जो है पुश रॉड दबी होनी चाहिए, एक यानी कि एक नंबर पिस्टन जो है कंप्रेशन में होना चाहिए, तो एक और दो फ्री होंगी और तीसरी भी फ्री होगी, तो चार नंबर वाल दब जाएगा। ये नॉर्मली एक फंडा है, मतलब लोकल फंडा है कि चार नंबर वाल दब जाएगा हमारा, तो हमारा एक नंबर पिस्टन कंप्रेशन में होगा और हम यहाँ पर फ्लाईव्हील में यहाँ पर जीरो इंश्योर कर लेंगे। ये हमारी टाइमिंग हो गई। इसके बाद हम इस रॉकर को फिट करेंगे और इसके बाद रॉकर फिट करने के बाद इसकी जो है टैपिट एडजस्टमेंट करेंगे। इसकी टैपिट जो है 0.25 और 0.30, 25 और 30 mm इसकी है जो फिलर गेज से हम इसको सेट कर लेंगे। 25 जो है इंटेक की और 30 जो है एग्जॉस्ट की। उसके बाद फिर इसको चेक करते हैं और फिर गाड़ी का देखते हैं साउंड कैसा है।
इंजन का एक चक्कर घुमा के दोबारा से फ्लाईव्हील का जीरो जो है यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर इसमें एक रोटेशन दे दिया। अगले रोटेशन पे ये पहले टाइमिंग लाएंगे जब चार नंबर पुश रॉड हमारी फ्री होगी, चार नंबर दबी होगी वाल, चार नंबर वाल दबा होगा उस समय एक नंबर कंप्रेशन में होगा, तो उस समय पे हम एक दो तीन पांच सात और नौ, इस ये नंबर नौ नंबर जो है टैपिट एडजस्ट करेंगे, 25 और 30, 0.25 और 0.30 mm, इसके बाद इंजन को दोबारा एक रोटेशन देंगे और फ्लाईव्हील का जो है जीरो दोबारा से जीरो आ जाएगा इसमें, ये दिख रहा है जीरो पिन के पास जीरो आ जाएगा। उसके बाद फिर जो हमारा छूट गया था अब ये मैंने वही कर रखा है दोबारा एक चक्कर मार के, तो अब हम करेंगे चार नंबर, छह नंबर, आठ नंबर, दस नंबर, ग्यारह नंबर और बारह नंबर। ये जो है इंटेक का जो है 0.25 है, एग्जॉस्ट का 25 है, 230 है, 0.30। तो ये भी फिलर गेज नहीं है, तो मैं इसको आईडिया से कर दूंगा जिस तरह से, ये एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट का थोड़ा ज्यादा रहेगा, ये भी एग्जॉस्ट है, जैसे आईडीएस है, इसके बाद इसको कस देंगे। इसको कसते समय ये जो है ऊपर वाला क्रॉस वाला ये नहीं घूमना चाहिए, फिर इसको सलाना है, हाँ इसमें इस तरह से पेचकस लगा के आप थोड़ा सा इसमें पेचकस लगा के इसको टाइट कर देंगे। फुल टाइट कर देंगे, हटाओ इसमें लगाओ, पहले देखो पहले रिंग डाल लेता, इसको टाइट कर देंगे फुल, बस छोड़ दो, बाकी सब ठीक है, मैंने चेक किए हुए हैं। तो जब आपका चार नंबर वाल दबा होगा और यहाँ पर फ्लाईवे में जीरो होगा, तो आपने एक नंबर दो, एक नंबर दो नंबर, तीन नंबर, पांच नंबर, सात नंबर और नौ नंबर करना है। उसके बाद फिर हम एक रोटेशन देंगे दोबारा से, फ्लाईवे को घुमाएंगे और दोबारा से जीरो आ जाएगा, तो हम फिर पीछे से करेंगे या हमने जो छोड़ दिए हैं वो करेंगे, चार नंबर, उसके बाद छह नंबर, आठ नंबर, दस, ग्यारह और बारह, इस तरह टैपेट एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके देखेंगे, एक बार स्टार्ट करो इसको, छोटा सेल्फ मारना और जब बोलूंगा तो बंद भी कर देना, न्यूट्रल देख लेना। और छोटा सा मारो, ठीक अब स्टार्ट करते इसको, एक्सीलेटर लो, खुली है, टाइट करेंगे,
हमने देखना है इसमें तेल चढ़ना चाहिए ऊपर, तेल नहीं चढ़ रहा है इसमें, ये रॉकर में तेल आना चाहिए। सर स्टार्ट करो एक बार और। अभी जो है इसको हम स्टार्टिंग में भी इसकी टाइपेट कर सकते हैं, अगर ज्यादा आवाज आ रही है, अभी टाइपेट की आवाज नहीं आ रही है तो हम इसको अभी बंद करेंगे। टाइपेट कवर लगाएंगे, टाइपेट कवर ले आओ।